हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके सामने हिकविजन का VDP यानी कि वीडियो डोर फोन के ऊपर एक वीडियो लाया हूं। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत कॉमन है, क्योंकि इसका कॉस्ट और जो ये कर सकता है इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। और इस वीडियो में मैं आपको A to Z इसकी बेसिक से लेके एडवांस फीचर्स के बारे में बात करूँगा, साथ ही आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, जो सेटिंग होना है इसके साथ, जो कंपोनेंट्स लगते हैं, सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिकविजन में दो सीरीज़ के VDP आते हैं। एक है ये वाला, इसको बोलते हैं एनालॉग वीडियो डोर फोन। एक आता है आपका IP वीडियो डोर फोन, उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। अगर आपको वो भी देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वो वीडियो को मिस ना करें। पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एनालॉग वाला का। इसमें आपको मैं इसकी जो सेटिंग्स होते हैं, जो भी फीचर्स हैं, सब कुछ के बारे में बताऊँगा। और अभी हम जो मॉडल के बारे में बात करेंगे इन डेप्थ, वो है DS KIS 204 जो है। बेसिकली ये है आपका मेमोरी बेस्ड VDP। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई आदमी आपका डोरबेल क्लिक करेगा तो आपका मेमोरी उस डोरबेल जब क्लिक हुआ उसका इमेज इसमें स्टोर हो जाएगा इंटरनली। आपको कोई SD कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हार्ड डिस्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इंटरनली स्टोर हो जाता है। तो ये वाला मॉडल एनालॉग में सबसे बेस्ट है कंज्यूमर लेवल पे। और इसके ऊपर आता है IP सीरीज़, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब और लेट नहीं करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि अनबॉक्सिंग करते समय आपको क्या क्या चीज़ मिलता है। तो ये है वो बॉक्स जिसमें ये मॉडल आया जाता है। अब इसके अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके में क्या क्या आता है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा टूल किट का पैकेज मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे केबल्स, एक मैनुअल, कुछ स्क्रू मिलते हैं। इसके बाद आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन के अंडर में ये तीन चीज़ आपको मिलते हैं अंदर। ये हो गया आपका 7 इंच का डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले। ये हो गया आपका आउटडोर यूनिट, इसमें बेल, कैमरा, सब कुछ है, इन डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ये है आपका एडाप्टर जिसके थ्रू आपको पावर मिलेगा। एक इसमें आता है आपका कनेक्टिंग केबल जो आउटडोर इंडोर को कनेक्ट करता है। एक इसमें आता है क्लैंपिंग प्लेट जो बेसिकली वॉल पे आपका कनेक्ट हो जाता है। तो जैसा आपने देखा, एक बेसिक सेटअप में आपके पास एक स्क्रीन आता है, इसको हम इंडोर स्टेशन या इंडोर यूनिट बोलते हैं। एक आउटडोर यूनिट आता है, इसमें आपका बेल, स्पीकर, IR सेंसर, VGA कैमरा और एक माइक, सब कुछ इसमें आपका अटैच्ड है। एक कनेक्टिंग केबल आता है, एक आपका पावर अडेप्टर आता है और कुछ मैनुअल्स और कुछ केबल्स के साथ आता है। अब मैं आपको इसको बेसिक सेटअप को जोड़ के दिखाता हूँ कितना सिंपल है इसको सेटअप करना। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपना अडैप्टर, पावर अडैप्टर ले सकते हैं, उसको आप पावर सॉकेट में दे दीजिए। इसके बाद आपका जो आउटडोर यूनिट है इस पर दो पोर्ट्स है बेसिकली। एक है आपका एक्सेस कंट्रोल जो EM लॉक जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक या फिर रिम लॉक, उसको आप बेसिकली इससे एज ए एक्सेस कंट्रोलर भी यूज़ कर पाएंगे। उसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक सेटअप करके दिखा रहा हूं कि कितना इजी है और कोई भी इसको इजीली कर पाएगा। तो ये रहा आपका पोर्ट्स, इस पर मैंने अपना जो तार आया है उसको कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। जो इसके दूसरे यूनिट है, जो आपका VDP इंडोर यूनिट है, इस पर आपके बेसिकली कई सारे पोर्ट्स हैं, इसको ABCD बोलते हैं,
और इस वाले में आप अलग से एक सीसीटीवी कैमरा एनालॉग कैमरा लगा सकते हैं और साथ ही में इसका पावर यूनिट जो आपका ये एडाप्टर से आया है वो कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप आउटडोर और इनडोर को कनेक्ट कीजिए और इसके ए वाले जो पोर्ट है, जो फर्स्ट वाला पोर्ट है, उसमें इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे कनेक्ट हो गया है आपका, ये इनडोर आउटडोर सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब आप केवल पावर को लीजिए और इसके पीछे कनेक्ट कर दीजिए। ये पावर जब कनेक्ट हो जाता है तो आपके पास बेसिकली सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। मैं पावर ऑन करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे एक छोटा सा एलईडी है जो कैमरे पे नहीं दिखेगा, आप रियल लाइफ में देख पाएंगे इसको, वो ऑन हो जाता है। इसके बाद मैं अपने कॉलिंग से कॉल करूंगा, ये देखिए, और मेरा कॉल आ गया है, आप देख सकते हैं। ये रहा मेरा स्टोर का फ्रंट और ये रहा मेरा खुद का इमेज। वीजीए क्वालिटी है बट घर के हिसाब से इट्स वेरी गुड। इसको आंसर करने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। ये जो आपको इको इफेक्ट हुआ ये बिकॉज ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस के वजह से हुआ है। इसका फ्रीक्वेंसी ऑडियो का वो मैच हो गया तो ये नॉइज़ आया, बट इन रियल लाइफ ऐसे कभी नहीं लगता है। एक दीवार होता है या बेडरूम किचन, वहाँ पे ये यूनिट जाता है और ये आपका आउटडोर में जाता है। तो मैं वापस आपको दिखाता हूँ, कॉल कीजिए, बेल बजेगा, इसके बाद यहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, दूसरे कैमरा को एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही फ़ोटो भी खींच पाएंगे इसमें। तो फ़ोटो खींचने के लिए आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको यूज़ करना होगा और आपका एक स्नैपशॉट क्लिक हो चुका है जो बेसिकली इसके अंदर स्टोर हो जाता है। अब मैं इसको एक बार रिसीव करके क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने रिसीव किया, हेलो, अब मैं सुन भी पाऊँगा और बोल भी पाऊँगा फ्रॉम बोथ द साइड्स, और मैं काटना है तो मैं काट सकता हूँ इसको इस तरीके से। ये हो गया आपका बेसिक, जो सबसे बेसिक सेटअप होता है ये वो हो गया है। इसके बाद लोग जो करते हैं वो है एक एक्सेस कंट्रोल लगाना। जैसे कि मेरे पास ये एक EM लॉक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक है। अभी मेरे पास सिक्योर आई का ये प्रोडक्ट आया है, बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कंप्लेन रेट्स बहुत कम है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो इसको इसके साथ कनेक्ट करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, पर इसको जब फिजिकली कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन की दरकार पड़ेगी, बस ये वायरिंग करने के लिए। अगर आप खुद कर पाएंगे तो भी इजी है, बट इस केस में अगर आपका वुडन डोर हुआ तो आपको कारपेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपका मेटल लोहा का गेट हुआ तो आपको एक वेल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर सेटअप करके दिखाऊँगा कि बेसिक जो लेआउट है, कनेक्टिविटी है, वो कैसा है और फंक्शनैलिटी कैसा है, आप कैसे एक लॉक को इस डिवाइस से ट्रिगर कर सकते हैं या आप आउटडोर यूनिट को कैसे इसका कनेक्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको उसका कनेक्शन अब दिखाता हूँ। तो अपना लॉक को आप निकालिए और इसके साथ देख सकते हैं 5 चाबी, इसके जो भी फ्रेम के पार्ट्स होते हैं या जो भी आपके इसमें और कंपोनेंट्स होते हैं वो सब इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। बट अगर आपको इसके ऊपर अलग से एक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना, मैं आपको ये प्रॉपर एक साइट पे मैंने जो काम किया है, जो मेरा काम चल रहा है, उसके ऊपर एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ये है वो लॉक, इसको EM लॉक बोलते हैं, और ये है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिससे आपका ये कनेक्ट होगा। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो है 12 वोल्ट 3 एम्पियर का या फिर 12 वोल्ट 5 एम्पियर का। तो 12 वोल्ट 5 एम्पियर का एडाप्टर आपको इसमें नहीं आता है, आपको अलग से लेना पड़ता है, तो वो कनेक्ट करना होता है इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ। तो ये रहा वो 12 वोल्ट 3 एम्पियर का एडाप्टर जो मैंने पावर सॉकेट से कनेक्ट किया है। ये रहे इसके प्लस माइनस के पॉइंट्स। इसके बाद आपको जो पैकेज है इसमें आपको ये वाला तार निकालना है जिसमें आपके 3 तार निकले हैं बेसिकली, और वाइट, रेड एंड ग्रीन, ये जाएगा आपका आउटडोर यूनिट के पीछे।
इसमें एक ग्रूव बना हुआ है, इसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे तो आपका कभी रॉन्ग कनेक्शन होगा नहीं। इसको भी डायरेक्टली पुश कर दीजिए, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। अब ये जो तीन पॉइंट्स है, ये बेसिकली आपके NC कॉमन और NO, यानी नॉर्मली क्लोज, कॉमन और नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली क्लोज का फिलहाल के लिए काम नहीं है, इसका आपको मैं यूज़ बताऊंगा, बट इनिशियल सेटअप के लिए आप देखिए जो कॉमन और नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ओपन को आप लॉक में एक पार्ट से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कनेक्शन कर रहा हूँ, बट रियल लाइफ में हम लोग को काफ़ी अच्छे से सोल्डरिंग करके कनेक्शन करना पड़ता है ताकि ये लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल रहे। अब जो दूसरा कनेक्शन है वो आपका जाएगा इसके थ्रू, बेसिकली आपका एडाप्टर में से एक पार्ट आप कनेक्ट कर दीजिए लॉक में इस तरीके से, और दूसरा पार्ट आप कनेक्ट कर दीजिए कॉमन पे। तो ये हो गया आपका बेसिक सेटअप फॉर लॉक रेडी। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है और इसकी फंक्शनैलिटी एक्चुअली में होती कैसी है। तो सबसे पहले पावर ऑन किया, अब मैंने अपना बेल बजाया, कॉल आया तो मैंने कॉल को किया रिसीव। अब मैं जब अनलॉक वाला बटन दबा रहा हूँ, ये हो गया मेरा लॉक ट्रिगर, और इसको कॉल कट करने के लिए फिर से इसको दबा दीजिए, कॉल हो गया कट। बहुत ही सिंपल ढंग से आपने अपने रूम में बैठे बैठे आपके मेन गेट या मेन डोर में आप इसको फिट करेंगे, ये सेटिंग करवाएंगे वायरिंग का, और आपका डोर जो है घर से अनलॉक हो जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये बजा कॉल, आपने कॉल को किया रिसीव, आप चाहे तो बात कर सकते हैं, फिर आप इसको दबाएंगे लॉक हो गया ओपन, ऐसे करके आप कट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो बेसिक सेटअप है वो हो जाएगा, एक VDP एक लॉक, मतलब VDP प्लस एक्सेस कंट्रोल आपका इजीली इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक VDP आपके पास है, अब आप चाह रहे हैं कि आपके अपर फ्लोर, मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर में आपने लगाया है, आपका कोई विला है, कोई बंगलो है, या तीन भाई साथ में रहते हैं, या कोई फ्लैट के सिस्टम है, तो आप चाहते हैं मेन गेट पे एक लॉक लग जाए और दो या तीन लोग इसको एक्सेस कर पाएँ। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप दो और एक्सटेंशन करवा सकते हैं, इसका मतलब आपका आउटडोर यूनिट एक रहेगा, इनडोर यूनिट तीन रहेंगे और लॉक एक रहेगा। तो जब बेल बजेगा तो तीनों VDP में आपका आवाज़ जाएगा, और आप जब उसको जौन से फ्लोर से आप एक्सेस करना चाहते हैं वहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। उसका कनेक्शन भी आपको अभी मैं करके दिखा देता हूँ। तो उसका कनेक्शन करने के लिए आप सबसे पहले दूसरा जो आपका इंडो यूनिट है, ये आपको अलग से भी मिल जाता है, और इसका जो अडेप्टर है इसको आप कनेक्ट कीजिए अपने पावर सॉकेट से। इसके बाद आपके जो टूल पैकेज है इसमें आप देखेंगे आपके पास ये चार वायर वाला, जिसमें रेड ब्लू येलो एंड ब्लैक कलर का आपको केबल का सेट मिलेगा, इसको आपको कनेक्ट करना है जो आपका मेन सोर्स है, जहाँ से आपका लॉक खुल रहा था फर्स्ट टाइम में, उसके जो ए वाला है उसके नीचे वाला, इसका मतलब ABCD जो है, ए के नीचे वाला जो सी है उसमें आप इसको कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। अब ये जो लूज एंड्स है, जो आपका दूसरा VDP है, उसमें भी आपको सेम सेट ऑफ केबल मिलेगा, उससे भी आप उसका जो चार केबल वाला सेट है उसको आप निकाल लीजिए, और उसको आप इसके ए में कनेक्ट करेंगे। कहाँ पे? ए में, यानी ABCD आप ए में कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने अपना ए में इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपका इन दोनों को,
मैं कनेक्ट करूँगा एज पर द कलर, ब्लू को ब्लू के साथ, रेड को रेड के साथ, येलो को येलो के साथ और ब्लैक को ब्लैक के साथ। ये बेसिक मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कनेक्शन किया है। रियल लाइफ में हम लोग एक कैट सिक्स केबल यूज़ करते हैं जिसमें आपके चार जोड़ी तार आते हैं, तो अपना बोथ साइड्स का काम उस एक सिंगल केबल के थ्रू हो जाता है। अब आप देखेंगे मैंने इसको कनेक्ट किया, फिर मैंने फिर मैंने इसको कनेक्ट किया है। अब मैं पावर किया ऑन, अब मैं किया कॉल। अब आप देखिए दोनों में आपका कॉलिंग आ गया। और सबसे खास बात क्या है, मैं इसमें भी रिसीव करके करूँगा तो भी मेरा अनलॉक हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आपका एक गेट को आप बेसिकली दो जगह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये हुआ आपका सेकेंड टाइप ऑफ सेटअप। और इसी में आपको थर्ड फ्लोर पे भी एक और लगाना है, तो आप इसके ए बी सी, इसके सी से तार निकाल के उसके ए में कनेक्ट कर दीजिए जैसे मैंने इसमें किया है, और ये थ्री लेवल तक आपका काम करेगा। तो आई होप दिस मेक्स लॉट ऑफ थिंग्स क्लियर। साथ ही अब मैं आपको छोटा सा और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि है एक एनालॉग सीसीटीवी कैमरा को भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका जो नीचे वाला फ्लोर में जो वीडीपी है, इसमें मान लीजिए आप चाह रहे हैं, ये तो आपका मान लीजिए ये आपका कैमरा इसमें है, बट ये एक VGA कैमरा है। आप चाहते हैं आप 1 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल कैमरा लगाना चाहते हैं जो इस पे ध्यान दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गेट है, गेट पे आपने लगा दिया है, बट कोई किसी ने इस पे छेड़खानी कर दिया, इसका कैमरा पे ब्लर कर दिया, आप चाहते हैं देखने के लिए इसमें किसने किया है, तो इसी यूनिट में आप एक सिंगल कैमरा भी लगा सकते हैं। आप हर एक इंडोर यूनिट के साथ एक कैमरा लगा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको एक कैमरा लगा के दिखा रहा हूँ एक इंडोर यूनिट के साथ में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास ये एक केबल आता है जो बेसिकली एक BNC कनेक्टर के साथ पहले से लिंक्ड है, और ये लग जाता है आपका इंडोर यूनिट के इस पार्ट पे, ABCD जो है उसके बगल में एक 2 पिन का छोटा सा पोर्ट दिया हुआ है, उस पे आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए, सेम ग्रुप को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। अब आप पकड़ लीजिए आपने एक कैमरा लिया है, ये हिकविजन का 1 मेगापिक्सल का एनालॉग कैमरा है, और इस पर्टिकुलर मॉडल पे आपका सिर्फ एनालॉग कैमरा सपोर्ट करता है। तो हिकविजन का जो नॉर्मल सीरीज़ है इसमें बेसिकली आपके पास एक बटन होता है, इस बटन के सहारे आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं, CVI, AHD, एनालॉग, इन सबको चेंज कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरह का केबल का ज़रूरत पड़ेगा, बेसिकली एक 3+1 केबल है जो CCTV में बहुत कॉमन होता है, और दोनों जगह मैंने BNC कनेक्टर लगाया हुआ है। तो एक एंड आप ले लीजिए इस पॉइंट पे, एक एंड आप ले लीजिए कैमरा के पॉइंट पे, इस तरीके से। और कैमरा को आपको देना होगा पावर, पावर देने के लिए आप 12 वोल्ट, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर का अडैप्टर यूज़ कर सकते हैं। एक चला गया कैमरा पे पावर। अब आप देखेंगे कि मैंने इस यूनिट के साथ में एक एक्सटर्नल CCTV कैमरा कनेक्ट किया है, तो मैं इसको करता हूँ ऑन। और इसको ऑन करने की बेल दबाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिना बेल दबाए आपको इस कैमरे का आउटपुट दिखा सकता हूँ। इसमें थर्ड बटन है, ये वीडियो बटन है, इसका क्लिक कीजिएंगे सबसे पहले आपको ये कैमरा का आउटपुट मिलेगा जो है आपका फर्स्ट, इसको हम कहते हैं डोर स्टेशन 1। ठीक है, अभी जो हुआ है ये हुआ है टैम्परिंग सेंसर, लेंस के आगे कोई टैम्पर करेगा तो भी आपके पास एक अलार्म आ जाएगा।
मान लीजिए कोई छेड़खानी करने टैम्पर कर रहे बिना बटन दबाए भी टैम्परिंग होगा। एनीवेज मान लीजिए आपको ये कैमरा में करंट कर दिखा रहा हूँ, थर्ड वाले बटन को एक बार दबाइए, ये कैमरा चालू हो गया, फिर से दबाइए, ये डोर स्टेशन 2 है, यानी कि जो एक और आउटडोर यूनिट है उसके साथ कनेक्शन का आउटपुट इसमें आएगा। इसके बारे में आपको मैं थर्ड पार्ट में दिखाऊंगा। इसके बाद एक बार दबाएंगे तो आपका सीसीटीवी कैमरा चालू हो जाएगा। ये कैमरा भी मैंने इसमें कनेक्ट करके दिखा दिया है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है इन प्लेसेस जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका VDP में दो जगह से आपको कैमरा का एक्सेस मिले। एक मान लीजिए आप आदमी का फ्रंट व्यू देखना चाहते हैं, एक आप ये देखना चाहते हैं कि उसके पीछे कौन खड़ा है, क्योंकि हो सकता है एक कैमरे में आपके पास इसके सामने कोई अच्छा आदमी कॉर्पोरेट टी शर्ट या कोई सर्विस वाला बोल के आ सकता है, बट हो सकता है उसके पीछे कैमरा इस कैमरा से हट के कोई ग्रुप में कोई गैंग खड़ा है या कुछ बदमाश खड़े हैं, तो उसके लिए ये कैमरा जो है आप देख सकते हैं बहुत हेल्पफुल होता है। इस कैमरा का आउटपुट आप देखिए फुल HD 1 मेगापिक्सल आपको मिल जाता है। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट जो इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक इंडोर यूनिट में दो आउटडोर यूनिट को कैसे कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक बंगलो है, बंगलो में बिल्डिंग के बाहर एक गेट है जिसको आप मेन गेट कह सकते हैं, और आपका जो बिल्डिंग है एग्जैक्ट जो मेन बिल्डिंग है उसके आगे एक मेन डोर है। तो आप चाहते हैं कि बाहर से जो गेस्ट आए हैं वो मेन गेट जो है बिल्डिंग के बाहर का आपका प्रमाइस के बाहर का उस पर ये सिस्टम लगे, उस पर बेल दबे तो आपका एक ही स्क्रीन पे आउटपुट आए, आप उसको बात करके अनलॉक करके आपका एक एक्सेस कंट्रोल से गेट खुल जाए। फिर आप चाहते हैं कि अंदर वाले गेट पे भी जो डोर है उस पे भी आपका एक सेटअप लगे, पर जो स्क्रीन है वो एक ही स्क्रीन में आप चाहते हो दोनों आउटडोर यूनिट का एक ही स्क्रीन पे आए, और एज़ पर द रिक्वायरमेंट अगर बाहर वाले ने आपको कॉल किया है तो आप बाहर वाला लॉक ट्रिगर कीजिए, अंदर वाले ने कॉल किया है तो अंदर वाला लॉक ट्रिगर कीजिए। तो इस सेटअप के लिए आप मान लीजिए आप एक और VDP आउटडोर यूनिट आप अलग से परचेस कर सकते हैं, अभी मैं आपको वो सेटअप भी करके दिखा रहा हूँ। तो ये रहा मेरे पास एक और एक्सटर्नल आउटडोर यूनिट, ठीक है। इसका कनेक्शन के लिए आपको इसका जैसे फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरीके से इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो अडैप्ट केबल आता है उसको आप कनेक्ट कर दीजिए ग्रूव के अकॉर्डिंग। इसमें कनेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट है कि आप जो फर्स्ट वाला जो आपका यूनिट है जो आपका ऑलरेडी सेकेंड फ्लोर से कनेक्टेड है, आप चाहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे आपको इसका एक्सेस मिले, तो इसको आप जो बी वाला पार्ट है बी में इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए इस तरीके से, एंड डैट इज इट। आपने अभी बी में इसको आपने कनेक्ट किया है, इसी वजह से अब मैं इसको सिस्टम कर रहा हूँ ऑन। सिस्टम को ऑन करने के बाद ये था मेरा ए, जब मैं ए को कॉल किया तो दोनों में आएगा उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब मैं बात करूँगा बात कर लिया, लॉक खोलना है लॉक खोल दिया, फिर कॉल मैंने काट दिया। अब मैंने जो सेकेंड डोरबेल यूनिट है इससे कॉल किया, ये देखिए इसमें तो आएगा नहीं, अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है। एक ही इंडोर में आपका इस आउटडोर का भी आउटपुट आ गया है, इसका भी आउटपुट आ गया है। अब मैंने इसको किया रिसीव, अब हम बात जो करना है कर लेंगे, लॉक आप इसमें लगा सकते हैं, फिर इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो एक ही आउटडोर में आप देखिए आपका इंडोर में आपका दो आउटडोर कनेक्ट हो गया है, और जिस तरीके से आपने ये लॉक लगाया है एक आउटडोर के साथ उसी तरीके से आप इस आउटडोर में अलग से एक और लॉक लगा सकते हैं सेम कनेक्शन के साथ,
वो मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई कीजिए। मैं आपको 90% तक सबको समझा चुका हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिए एंड कमेंट्स में बताएगा सक्सेसफुल था कि नहीं था। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपका सक्सेस होगा ही होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बट मैं ये एक छोटा सा टास्क आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एक एक्सटर्नल लॉक आप लगा के ट्राई कीजिए। और मैं एक्चुअली बहुत साइट्स में कर चुका हूँ तो आई एम प्रीटी श्योर इट विल वर्क। एंड इसके साथ लास्ट आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आपको इस पूरे चीज़ को सम अप कर देगा। तो आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं, ठीक है, आपके पास ये वाला VDP इंडोर यूनिट है। अब आप चाह रहे हो कि तीनों फ्लोर पे आपके पास दोनों गेट का एक्सेस हो, वो आप कैसे करेंगे? सेम उसी तरीके से जिस तरह आपने इन दोनों कनेक्ट किया था उसी तरीके से आपको वापस से वो चार जो केबल आते हैं, चार पैर वाले, दो पैर वाले, वो केबल को आपको कनेक्ट करने हैं उसी तरीके से जैसे आपने उस टाइम किया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बी है, बी के नीचे जो डी है, वो डी के थ्रू एक लगाएंगे और जो आपका सेकंड पार्ट है, जो सेकंड इंडो यूनिट है, इसका जो बी पार्ट है, बी में आप इसको कनेक्ट कर देंगे। दैट्स इट। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप साथ लेंगे। साथ लेने के बाद उसी तरीके से जैसे उस टाइम हमने कलर कोडिंग किया था कनेक्टिंग, तो ब्लू के साथ ब्लू चला जाएगा, येलो के साथ येलो चला जाएगा, रेड के साथ रेड चला जाएगा और ब्लैक के साथ ब्लैक चला जाएगा। मैंने गलती से डी में कनेक्ट कर दिया था तो ये बी में कनेक्ट हो गया है। तो अब आप देखिए कि जब मैं सेकंड वाले उससे कॉल करता हूँ, मैंने पावर ऑफ किया हुआ है सेफ्टी के लेके, सारे तार अभी ठीक है, कोई टच नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैंने जो सेकंड गेट था उसमें मैंने क्लिक किया, आप देखिए दोनों में आपका रिंग हो गया है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। आप कहीं से भी लॉक दबा सकते हैं, बात कर सकते हैं और लॉक को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो आई गेस दिस सम्स इट अप क्वाइट ब्यूटीफुली। इसमें आपके काफ़ी वेरिएशंस आ जाते हैं। साथ ही इसमें जो मैंने आपको कहा था कि जो ग्रीन वायर है इसको आप अलग से भी एक ट्रिगर स्विच जिसको कहते हैं बेल वाला स्विच बोल दीजिए या रिमोट कंट्रोलर जो बोलते हैं उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो ग्रीन वाला जो स्विच है इसको भी अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो भी आपका ट्रिगर हो जाएगा। तो ग्रीन वाले स्विच को आप जो रेड वाले जो आपका डायरेक्टली पावर के साथ आ रहा है उसमें आप टच करेंगे तो भी आपका छोटा सा ट्रिगर मिल जाएगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, मैंने गलती से इसको खोल दिया था। तो ग्रीन वाले को और इसको आप साथ में टच करेंगे तो भी आपका लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली आप एक ट्रिगर स्विच लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग के ठीक अंडर कोई स्टाफ क्वार्टर में आप लगाना चाहते हैं कि अंदर से बटन दबाए और खुल जाए, उसमें भी आप ये चीज़ लगा सकते हैं। तो दिस सम्स इट अप एंड इट्स रियली नाइस प्रोडक्ट। आपको इसका बेस्ट रेट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे दिए लिंक पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। और ये हुआ आपका 204 मतलब विथ मेमोरी वाला मॉडल। आपको अगर चाहिए मेमोरी लेस तो 204 मॉडल 202 मॉडल आता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं POE IP के बारे में बताऊँगा। उसके बारे में आपको इन डेप्थ अगर जानना है इतनी तरीके से तो डिफरेंट कमेंट से बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। इससे हमें बहुत सपोर्ट मोटिवेशन मिलता है। आगे ही सिचुएशन ठीक नहीं है
बट ये वीडियो बना के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एंड इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी आईटी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के बारे में डालता हूँ। इस तरीके से और भी मैंने डिटेल्स हैं मेरे जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसके बारे में आप चैनल पे देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए इसके बारे में आपका क्या रिव्यू है, क्या राय है, आपको क्या प्रोज और कॉन्स नज़र आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इसमें कोई कॉन नहीं है। एक आप बोल सकते हैं कि कैमरा क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, बट इस प्राइस रेंज में इसका MRP है 10,100, बट मैं आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट में यह प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकता हूँ। लॉक आपका अराउंड 2000 अप्रॉक्स में आप ले सकते हैं, वो आ जाएगा। अडेप्टर आपका 400-500 में अडेप्टर आ जाता है, बस बाकी सब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एक 1 मेगापिक्सल कैमरा आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं या मेरे थ्रू भी ले सकते हैं। बहुत सस्ता आइटम है, 1100-1100 रुपये का आइटम है, बट सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप अ स्मॉल लाइक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओ हाँ, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने VDP इंस्टॉल किया था एक बंगलो में इसी टाइप का सेटअप के साथ, थोड़ा डिफरेंट था। इसको आप देखिए, उसका लिंक ये रहा, वीडियो ये रहा, तो उसको देखिए और आपको आइडिया लगेगा रियल लाइफ में क्या होता है। इट्स द सेम थिंग, बस कंस्ट्रक्शन वाइज थोड़ा केबलिंग वगैरह का इशू रहता है। अगर पहले से आप प्रिपेयर्ड हो, आप एडुकेटेड हो, आप जानकार हो, तो आपको इशू नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही कोई भी वायर डलवा देंगे तो इशू हो जाएगा। Cat 6 अच्छा प्योर कॉपर वाला यूज़ कीजिए, एडेप्टर्स वगैरह अच्छा कंपनी का यूज़ कीजिए जिसमें लॉन्जिबिलिटी हो। ये बहुत हैवी क्वालिटी का है, इसमें वेट से पता चल जाएगा आपको। CCTV का एडेप्टर वो भी बहुत मेरा हैवी एडेप्टर है। एंड दैट्स इट, सो थैंक यू, बाय।